बरेली में फाइव स्टार होटल में हुई पार्टी के दौरान मारपीट और हंगामा। बिजनेसमैन ने लड़के को छत से नीचे फेंका, सीसीटीवी सामने आया। बरेली में एक फाइव स्टार होटल के अंदर मारपीट और हंगामे की खबर सामने आई है। इसका सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें एक शख्स मारपीट करते हुए दिख रहा है और फिर एक लड़के को छत से नीचे फेंकते हुए भी दिख रहा है। यूपी के बरेली में एक फाइव स्टार होटल में जमकर हंगामा हुआ। यहाँ हुई मारपीट और हंगामे का सीसीटीवी भी सामने आया। दरअसल फाइव स्टार होटल में प्री वेडिंग पार्टी में शराब के नशे में बवाल शुरू हुआ, जिसमें व्यापारी पिता पुत्र ने दूसरे व्यापारी के बेटे के साथ जमकर मारपीट की और उसे छत से नीचे फेंक दिया। फिर लड़के को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया। इस पूरी मारपीट और लड़के को छत से फेंकने का वीडियो वायरल हो गया। इस मामले में पिता पुत्र के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज हुआ। राजेंद्र नगर निवासी संजय अग्रवाल ने बताया कि वो और उनका बेटा सार्थक अग्रवाल दोनों दवा का व्यापार करते हैं। वो सुरक्षा फोरम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी। उनका बेटा सार्थक अग्रवाल हेल्थ सेक्टर में केमिकल का कारोबार करता है। सार्थक अग्रवाल अपने दोस्त और जनक के रहने वाले रिधि मरोड़ा समेत अन्य दोस्तों के साथ होटल रेडिसन की पार्टी में गया था। यहाँ प्री वेडिंग पार्टी चल रही थी, इस दौरान यहाँ कहासुनी हो गई। गाली गलौज होने पर रिधि मरोड़ा ने अपने पिता और कपड़ा व्यापारी संजीव अरोड़ा को फोन कर वहाँ बुलाया। सार्थक अग्रवाल ने संजीव अरोड़ा के पैर छुए, लेकिन इसके बावजूद मामला शांत नहीं हुआ। आरोप है कि सतीश अरोड़ा और उसके बेटे रिधिम ने सार्थक अग्रवाल के साथ मारपीट की और धक्का देकर होटल की छत के नीचे फेंक दिया, इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मामले की सूचना पर इज्जत नगर थाना पुलिस पहुंची। घायल सार्थक के मेडिकल इलाज में भर्ती कराया गया, उसकी हालत गंभीर बनी हुई। इंस्पेक्टर इज्जत नगर जयशंकर सिंह ने बताया कि मामले में मारपीट, जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया। बरेली से ब्यूरो चीफ विशाल की रिपोर्ट।